मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। जैसे हम बात कर रहे हैं सीरीज प्रेडिक्शन ऑफ 2024 के बारे में, तो आज हम बात करेंगे नंबर 7 के बारे में। तो आने वाला साल 2024 आपके लिए क्या चैलेंजेस लेके आएगा, क्या अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, कि स्लो चलना है कि फास्ट पेस में हाई रिस्क में जाना है, ये सब आज हम डिटेल में बात करेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो आज हम बात करेंगे 2024 ईयर कैसे रहेगा। न्यूमरोलॉजी में एज यू ऑल नो हम सम अप करते हैं एंड सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं, तो ईयर 2024 व्हेन यू सम अप कम्स टू नंबर 8। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के 7, 16 या 25 है तो आप नंबर 7 से रूल्ड हो। सो नंबर 7 केतु प्लैनेट को दर्शाता है। तो कैसा होगा 7 और 8 का मिलन इन द ईयर 2024? क्या आपको चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या आपको सक्सेस मिलेगा, ये अब आप जानिएगा। तो नंबर 7 जैसे हम बोलते हैं ये कॉम्प्लीमेंट नंबर भी है 2 का, तो इंट्यूटिव नंबर भी है। नंबर 7 के लोग यूजुअली थोड़ा सौम्य नंबर है, तो और नंबर 7 के लोग यूजुअली चाहते हैं डिटैचमेंट, मुझे अकेला छोड़ दो, हमेशा भागने की कोशिश भी करते रहते हैं। तो ये एक मेजर रेमेडी है नंबर 7 वालों लोगों के लिए कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागिएगा, क्योंकि आप 2024 साल में है जो कि रूल्ड बाय 8 है। शनिदेव क्या कहते हैं, अपना कर्म करो, और कैसे करो, नियम से करो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागो। सो अगर 7 नंबर इसको अगर अपना लेता है, अपना नियम से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है, तो शनिदेव कर्मदाता उनको छप्पड़ फाड़ के दे सकते हैं। तो ये एक मेजर रेमेडी आप अपनाइए और पूरा ईयर इसको करते रहिए। नंबर 7 लोगों को क्या करना चाहिए, अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखिएगा और हमेशा डेली रूटीन बनाइए, एक्सरसाइज करिए। ऑल्सो 7 नंबर लोगों के लिए एक और रेमेडी है कि काम को आप काम समझ के मत करिए, मन से काम करिए और कर्म से करिए, तभी कर्मदाता शनिदेव आपको छप्पड़ फाड़ के देंगे। देन अनदर थिंग कि 7 नंबर जो होता है बहुत सारा इंट्यूशन भी होता है इसे, और अजीब सा थोड़ा सा डर भी लगा रहता है, और प्लस अगर 8 नंबर की एनर्जी उसके साथ मिक्स हो जाए तो कहीं ना कहीं आप स्लोनेस का शिकार हो सकते हो, हर्डल्स आ सकते हैं। बट स्टिल अगर आप डेली रूटीन करके करिए, प्लान करके करेंगे, तो ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और 7 नंबर को दूसरा एक और मेजर रेमेडी मैं कह सकती हूँ कि अपने गुरु की सेवा करिए। अगर आपने किसी को अपना गुरु माना है तो कोशिश करिए साल में कम से कम एक बार आप गुरु के शरण में जाके आइए। इफ़ यू सी द हिस्ट्री, राजा महाराजा लोग भी अपने साल में एक बार अपने गुरु के आश्रम जाते थे। गुरु के आश्रम इज़ नॉट अ लग्जरी एलिमेंट, राइट? वहाँ पे लग्जरी 5-स्टार वाला ट्रीटमेंट तो नहीं मिलेगा। गुरु के आश्रम में राजा को भी नीचे सोना पड़ता है, चटाई पे सोना पड़ता है। बट अगर आप हिस्ट्री आप देखोगे तो सारे राजा लोग अपने गुरु के आश्रम नियम से साल में एक बार ज़रूर जाते थे और कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड करते थे। एंड इससे क्या होता था, उनका स्पिरिचुअलिटी अवेकन होता था एंड दैट यूज टू गिव देम सक्सेस। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रेमेडी फॉर 7 नंबर पीपल। आप स्पिरिचुअलिटी को अपनाइए, अपने डायरेक्शंस को देखिएगा, अपना जो एनर्जी है उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपनाइए। एंड 7 इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ रिसर्च, तो ये ऑकल्ट फील्ड के लिए, न्यूमरोलॉजी के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपका इंटरेस्ट है न्यूमरोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में तो इसको सीखिएगा ज़रूर इन द ईयर 2024 इफ़ यू आर रूल्ड बाय नंबर 7। एंड अब हम बात करेंगे कौन से इंडस्ट्रीज़ के लिए ये अच्छा रहने वाला है। ईयर 2024 विल बी वेरी लकी एंड प्रॉस्परस फॉर गोल्ड, डायमंड,
एनी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क, आर्किटेक्चर्स या कोई भी माइनिंग अर्थ रिलेटेड वर्क के लिए भी ये बहुत अच्छा साल रहने वाला है। प्लस रिसर्च ओरिएंटेड ऑल्सो, तो रिसर्च है किसी फील्ड में, साइंटिस्ट बनना चाहते हो या कोई भी अपने ही जॉब में, हमेशा इफ़ यू सी जैपनीज वाई दे आर हमेशा आगे, वो क्यों हैं, क्योंकि उनके यहाँ लगातार रिसर्च चालू रहता है। कोई भी काम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में आप हो, तो हमेशा रिसर्च करिए कि उसी काम को मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, या कैसे, हाउ आई कैन ओवरकम द चैलेंजेस इन माई ओन फील्ड। तो अपना आपको चैलेंज बनाना है, अपने आप से एक माइलस्टोन बना के रखिए एंड रिसर्च करके उसको बेहतर 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 करते जाइए। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रेमेडी फॉर नंबर 7 पीपल फॉर द ईयर 2024। लकी कलर की अगर हम बात करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा येलो कलर यूज़ करिए, ग्रीन कलर यूज़ करिए। कैसे यूज़ करेंगे? पेन, यू कैन कीप अ ग्रीन कलर पेन विथ यू, और यू कैन हैव अ ग्रीन कलर हैंकरचीफ विथ यू फॉर द एंटायर ईयर। और आप क्या कर सकते हो, उससे क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगी एनर्जीज और आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। यू कैन ऑल्सो राइट 32 ऑन द मर्क्यूरी माउंट। वेयर इज द मर्क्यूरी माउंट? आपके लिटिल फिंगर के नीचे जो माउंट होता है उसे मर्क्यूरी माउंट बोलते हैं। देयर यू राइट 32 विथ ग्रीन पेन। देखिए जैसे मैंने लिखा है, पूरे साल आप इसको लिखिए, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको बुध ग्रह का एनर्जी भी देगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नंबर 7, क्योंकि नंबर 7 नंबर कभी कभी थोड़ा सहमा सा फील करता है, अपनी बात नहीं रख पाता है, तो दिस विल एड अप टू द कम्युनिकेशन। आप ओपनली कम्युनिकेट कर पाओगे, इससे क्या होगा, आपके रिलेशनशिप बेहतर होंगे। आपके स्पाउस के साथ बना के रखना है आपको अगले साल, दैट इज 2024, एंड कम्युनिकेशन इज द की फॉर इट, राइट? सो ये सब चीज़ें आप रेमिडीज करिए एंड स्टेप बाय स्टेप प्लान करिए, एंड उम्मीद करती हूँ ये सब फॉलो करके आप अपना 2024 साल बहुत इंजॉय कर पाएंगे और बहुत सारा लक अट्रैक्ट कर पाएंगे एंड अपॉर्चुनिटीज़ का भरपूर फ़ायदा उठा के चैलेंजेस को ओवरकम करके सक्सेस पाएंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका आने वाला साल के लिए प्लानिंग और तैयारी कैसे चल रही है, और आप कितना क्या अचीव करना है, आपको टारगेट आपने सेट कर लिया है ऑलरेडी, मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन गुड बाय एंड गुड लक।